सीनियर लीगी रहनुमा जावेद हाशमी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की आयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचे। लिस्ट में नाम शामिल न होने के बायस नवाज शरीफ से मुलाकात न हो सकी। इस पर जावेद हाशमी मायूस होने की बजाय डटकर हालात का सामना करते नजर आए। बोले, अगर हमारी मुलाकात नहीं हुई तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। सीनियर लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में नैब पर तनकीद के निश्तर चलाए। कहा, नैब को सियासी जमातों को तोड़ने के लिए बनाया गया है। इस वक्त मुल्क में न कोई डील करने वाला है और ना ही डील देने वाला है। डील वील कोई नहीं है। डील कैसे होगी जब वो कोई लेने वाला नहीं है, डील कोई देने वाला नहीं है, तो डील कैसे होगी। जावेद हाशमी ने वजीर आजम इमरान खान को पुराना साथी तो करार दिया, मगर साथ ही साथ खूब तनकीद भी की। इमरान खान हमने सुना कि राहदारी दे दी गई है इंडियन को, लेकिन उस राहदारी का फैसला किसने किया? वजीर आजम बैठा था, वो बेचारा उल्लू बाटा लग रहा था, वजीर आजम नहीं लग रहा था, उसे पूछा ही नहीं किसी ने। जावेद हाशमी ने मजीद कहा कि अलीम खान नैब में गए नहीं, वो नैब में लाए गए हैं। कैमरा टीम के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज।